हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज है बेसिकली आरआरबी पीओ का मेरा जॉइनिंग का फर्स्ट डे। एक्चुअली ये डिपुटेशन जॉइनिंग है, एक्चुअल जॉइनिंग अभी तक नहीं हुआ। तो जाते हैं, देखते हैं ब्रांच कहाँ पर है और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी निकल गए हो, देखो एक तो बहुत लेट हो चुका था, मतलब सर को भी फ़ोन किया जो ब्रांच मैनेजर सर है सूरत सर, तो उनको फ़ोन किया था, सर बोले कि वो भी निकल गया तो लेट होने वाला था, इसीलिए मैं बोला ठीक है वो तो वही बुक कर लेते। अब ऊपर नहीं मिल रहा था, ऊपर नहीं मिल रहा तो लाइन ऑटो से ही चले जाएंगे। और हाँ वही है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। मेरी फिर भी एक साल नहीं, 8 महीना, उसके बाद अभी PGD, तो देखते हैं कैसा डिफरेंस होता है, क्या क्या न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, आपसे भी शेयर करेंगे। एक्चुअली पहुंच गया हूँ मैं ब्रांच के सामने हूँ। तो इधर पे कौन सा फ्लोर पे है पता नहीं, ये शायद फर्स्ट फ्लोर पे है। हाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, तो चलते हैं, पता नहीं कहाँ से एंट्री होता है, मतलब अंदर जाते हैं, बाहर ही रुकता हूँ, कोई अगर आते उसके बाद ही जाऊँगा, शायद से इधर से ही होगा, फिर भी अगर कोई आता है उसके बाद जाऊँगा। मेरे को लगा था मैं लेट हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा धूप है यार, अंदर जाके खड़ा होता हूँ, मेरे को लगा था मैं लेट हो जाऊँगा, लेकिन नहीं, सही है, सही टाइम पे आ गए। क्योंकि 9:35 अराउंड बज रहा है अभी, तो सही है बज गए। देखो अगर MBTLS से आओगे ना, मतलब हम ये ब्रांच पे आओगे तो ये जो तरफ है, यहाँ से अगर राइट पे जाओगे तो ड्रॉप गेट आता है जहाँ से मैं आया था, और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो कैंपेट बाजार आता है। अभी यहाँ से सीधा आना होता है अपने को। आने के बाद बेसिकली दो एंट्रेंस होते हैं, एक एंट्रेंस होता है यहाँ से सीधा, और दूसरा एंट्रेंस जो कस्टमर लोग आते हैं वो इधर से सीधा आते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ब्रांच ये है, मतलब पहले जो जुमे डब्बा था उससे तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ से अगर अंदर आते तो मैं दिखा तो एक बार। यहाँ से आते खुला है, इधर पे एक होता है कैश काउंटर, भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरे को लगा ही नहीं था यहाँ पर ये ब्रांच मैनेजर का केबिन है, यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, एक्चुअली ID अभी तक क्रिएट नहीं हुआ इसीलिए, तो पूरा ID क्रिएट होने के बाद पूरा काम कर पाएंगे। अभी सर के ID से कुछ काम किया तो ठीक है, ये सेम ही था, ऑलमोस्ट सेम था। अभी मेरे को ये भीड़ देख के ना शॉक हो गया, मैं इतना ज़्यादा भीड़ कैसा है, देखते हैं सामने जाके। शायद से एक काउंटर तो शायद से पक्का होगा कैश, दूसरा होगा आपका उसका क्या बोलते हैं इसको, पासबुक अपडेट का, ऐसे ही होगा। और ये वाला ब्रांच Skill 3 ब्रांच है, तो बड़ा ब्रांच है अपने से तो बहुत बड़ा। हमारे यहाँ पर बिजनेस 14 करोड़ के करीब था, यहाँ पर 100 करोड़ के ऊपर है बिजनेस, तो नया एक्सपीरियंस, पता नहीं कितने दिन होगा, अच्छा ही है अभी तक। तो अभी बेसिकली जस्ट लंच करके आया यहाँ पर, अभी यहाँ पर तो भीड़ नहीं है, इधर पे भी नहीं है, कैश पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वही है यहाँ पर जो डिपॉजिट ज़्यादा है। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, ये दिखा तो आपको, ये बेसिकली ये डायरी मिला था तो इसमें देखो सारे के सारे लिख लिया मैंने जो भी है। तो ये सारे नए मेनूज़ है, मतलब नए सीखने को क्यों मिला, क्योंकि ये सारे लोन रिलेटेड है, अभी तक तो मैंने लोन रिलेटेड कुछ नहीं किया था, तो अभी बस कर रहा हूँ लोन रिलेटेड, तो समझ में आ रहा है, और थोड़ा बहुत जो भी पहले किया था वो तो निकल ही चुका था, तो वही है लोन का मेहनत सीखना है, बहुत कुछ सीखना है हमें। तो देखते हैं सर आएंगे, अभी लंच करने गए सर, रिपीटेशन में जा रहे थे, तो सर आएंगे तो उसके बाद और भी काम होगा। अभी बज रहे, रुक जाओ ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो हाँ तो अभी बज रहे हैं 6:30, और अभी मैं निकला हूँ, शायद से दिवाकर वाले भी और बाकी लोग भी आएंगे, पता नहीं, एक बार फ़ोन कर लूँगा, अगर आए तो मिलेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। तो तुम्हारा भाई है टायर्ड आज बहुत, तो चलते हैं अभी घर पे या फिर उनके साथ मिलते हैं। ये देखो कौन आ रहा है, ये देखो ये कहाँ गया लोकल दादा से बैंक करता था, ये देखो, अरे इतना है तक, क्यों क्यों
अरे पता है आपको बोला है कि आपका एक्टिंग बहुत पसंद आया है। किसने बोला है? कमेंट में, कमेंट क्या कौन था? यूट्यूब में। अच्छा, अरे चांस है अभी भी आपके पास, देख लो दो साल में अगर फिर से जाना पड़ेगा पता या पर लेकिन काम तो अच्छा लग रहा है बैंकिंग। ये कमल दिवाकर, दिवाकर भास्कर दिवाकर, बस कर दिवाकर। और ये अच्छा पहले ये बताओ ट्रेनिंग के जाने वक्त ये मतलब हटाया क्यों नहीं था? ट्रेनिंग में तो बच्चा लग रहा है अभी, बच्चा लग रहा है, दादा नहीं लग रहा है अभी। चलो बातें मिलते हैं अभी, थोड़ा सा बात बात करेंगे अभी। दीपक मोलदा बोल रहे हैं कि अपने को ट्रीट देंगे तो पिज्ज़ा और क्या ही होगा, डोमिनोज पे आए हैं देखते हैं कोई। तो बताओ दीपक मोलदा क्या खिलाओगे? क्या है? बहुत कुछ है खाने के लिए क्या इधर पे? करे 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 चलो देखो 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 पहले ये वाला पिज्जा जो होता था पहले पहले जब आया था ना नया नया तब ये अच्छा था, अभी ये पूरा वो क्या बोलते हैं लास्ट दिन जो आलू पराठा खाया था ऐसा होता है। एक मीडियम ले लेते हैं या फिर दो रेगुलर? हाँ अच्छा पिज्जा मेरे यहाँ कीमा ले लेता है, ये बड़ा ले ले एक, ये तो रेगुलर साइज है। दो रेगुलर साइज ले लेंगे क्या है? क्या दो रेगुलर साइज ले लेंगे पिज्जा मिनी है ना? तो तीन रेगुलर ले ले। तीन नहीं चार पीस के नहीं खा सकते हो? मैं तो नहीं खा सकता, तू खाए, तू खा लेगा चार पीस? ठीक है तीन रेगुलर ले ले। भुक्कड़ है बैंक। तीन पिज्जा हमने ले लिया, एक पेपर बबीक्यू, एक नॉन वेज पोटेट और ये इजी प्रेप, इजी टेप, इजी टेप। अच्छा नहीं मेरे को एक लावा चाहिए, ये लावा चाहिए और एक पेप्सी भी ले ले। अच्छा कुछ मैं कंट्री कर दूंगा कोई ना, हेड नहीं होता ये बैंक का भाई। हो गया क्या? आप वो क्या बोलते हैं गोविंद सर का एक सेकंड, नहीं नहीं गोविंद सर ना पेप्सी ले लेगा। अभी करो अरे ये देखो किसने ऑर्डर किया, जेडी बोस, जेडी बॉस। और जेडी बॉस कौन है? ये रहा जेडी बॉस। नहीं अभी तो जेडी बॉस नहीं लगता, बैच चला कर दे तो देखो ये मेरा, ये ट्रीट नहीं मतलब शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ। वॉल्केनो लावा होता है एक्चुअली, सॉरी लावा। इधर पे तीन पिज्जा है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ पिज्जा इस पिज्जा है तो खोलेंगे। रुक जाओ पहले दीप कोमल था बोल रहे किस प्रोफेशन पे मैं आ गया। पहले पहले तो गुंडा बनना था, उसके बाद एक्टर बनना था, अभी बैंकर बन गए। क्या पता लाइफ इज ए फुल सर्कल, देखते हैं क्या होता है। खोलो 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 पिज्जा रखी हो ना आर। ठीक है छोड़ो मैं और पीछे नहीं बोलने वाला, जो पीछे बोलना था बोल दिया मैंने। ये वाला था मलाई किमा, कौन सा वाला कौन सा है? अच्छा ये लोडेड वाला है। अच्छा ये वाला किमा है, प्याज रहा है अभी तक यार गर्म है बहुत ज़्यादा बेहतर। यहाँ पर ये क्या है? और क्या दिया था? पेपर फ्राई इसमें भूल गए उसने, उन्होंने चिकन डालना। देखो तो चलो खाते हैं। ये देखो डोमिनोज वाले का मतलब दरवाज़ा खुला है, शायद से एसी नहीं चलता ना, खराब हो गया है तो अभी खाते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं। डोमिनोज सब ने खाए फिर भी टेस्ट वे बनता है। हाँ भाई बहुत गर्मी भाई मेरा पीस में, रुक जाओ भाई करो, ये पूरा पीस मेरा है ये वाला। पुनर्का
कमान कौन सा वाला था ये भूल गया मैं कौन सा वाला था पेपर बर्फी पेपर बर्फी को एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं है अच्छा है बस ये वाला है लोडेड चिकन अच्छा लोडेड नॉन वेज लोडेड हाँ इसको देखते हैं चाहिए बता देखो दिवाकर ने एक पीस ले लिया चिकन असर अभी चिकन कीमा कीमा अरे भाई अच्छा पता है उस दिन नलिन सर ने एक जोक बोला था देखो खा चुके हैं मैं सोचा था कि वीडियो कर रहा हूँ उसके बाद देखा अरे ये पीस भी खा लूँ ठीक है ना ये पार्ट अच्छा मैं देखा था मलाई है चिकन कीमा है और प्याज है अच्छा है ये वाला बस प्याज को थोड़ा सा हटा के खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब ललित सर तो उस दिन क्या बोल रहे थे मेंस डे कब होता है बताओ अब बताओ मेंस डे कब होता है ये तो बोला नहीं सर ने बोला था 1 मई को अब बताओ 1 मई को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं फादर डे लेबर डे भाई लेबर डे इंटरनेशनल लेबर डे तो हम लोग तो छोड़ो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर 3 पीस बाकी है कौन कौन सा खाएगा ये बताओ मैं ये मेरा वाला है ना आधा 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 ये खाएंगे और 1 पीस उधर से अभी देखो पिज्जा तो खत्म है ठीक है लेकिन ये वाला जो पैकेट है ओरिजिनल चिली फ्लेक्स है ये भी बाकी है हमने ये उठा के खाया ऐसे नहीं किया तो क्यों ये दिवाकर बोल रहा था मैगी खाना है घर लेके जाए गए अभी लाबा उसको खाना है तुम लोग पेश नहीं करोगे चम्मच लेके आओ जाओ नहीं नहीं मेरा वाला तो शेयर नहीं कर रहा तो इसका भी अनबॉक्सिंग तो सब ने तो खा चुका है लेकिन फिर भी गर्म है अभी भी अच्छा है ये लावा ऐसे ही खाने से अच्छा लगता है ठंडा खाने से मज़ा नहीं है इसका करो ना आ गया लावा पता है ये वाला लावा जो हम तो मियावर में हाँ मियावर वाला बेटर था ये बर्गर किंग में जो खाया था ऐसा टेस्ट आएगा मियावर वाला बेटर ये तो ऑब्वियसली भाई मियावर का तो क्लास बहुत कम 50 रुपीज़ है मियावर का 50 ये देखो लावा निकला ही नहीं लावा या वोल्केनो अच्छा निकल गया करते हैं टेस्ट इसका बहुत गर्म है सेम ही लगता है तो 5 चम्मच लगे हमारे से हाँ कम
म्यांमार वाला ज़्यादा सेम लगता है। हो सकता है आई एम इनक्लाइन टू म्यांमार, हो सकता है प्राइस की वजह से। हाँ हो सकता है प्राइस की वजह से भी, और होता है ना कभी कभार। छोड़ो डिटेल्स देंगे अब तुम्हारे हवाले, चोकोला बस आती है। चलो अभी निकल गए हैं हम, बोल दो टाटा बोल दो, बाय देवाकर कहा है। चलो मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, डेली तो नहीं मिल सकते, हाँ वीकेंड में मिलेंगे सभी आ जाए तो। शुभजीत दा भी है, संदीप दा सभी है, बाकी जो जो भी अगरतला है बुला लेंगे उन सभी को। और चलते हैं अभी घर पे चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं फिर से। तो अभी घर पे आ चुका हूँ मैं, और अभी मैं बस थोड़ा सा एडिटिंग कर लूँगा आज का, जो भी एक्चुअली कल आप देख रहे होंगे वो इसी का एडिटिंग के रिलेटेड होगा। उसके बाद कुछ काम करना है मेरे को, कुछ चीज़ें सीखना है। एक्चुअली अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आई एम गेटिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक डिरेक्शन टू व्हाट आई विल बी डूइंग इन माय फ्यूचर, तो थोड़ा सा आइडिया ऐसा बन रहा है मेरा, तो वही उसको थोड़ा सा और भी पॉलिश करना है, क्योंकि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, मतलब आई एम ए वेरी गुड स्पेस ऑफ माइंड करेंटली, तो वही करेंगे। और चलो और क्या, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।